अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। एक अहम बात पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि हमारे नूरुल अरमान ट्रैवल की टीम का हिस्सा मोहतरम काशिफ भाई, जो मक्का में नूरुल अरमान ट्रैवल की तरफ से ज़ायरीन की खिदमत कर रहे थे, काशिफ भाई की बेसिकली जिम्मेदारियाँ जो थी वो सर्विसज़ के हवाले से थी, यानी कि कोई होटल की बुकिंग या पैसों का लेन देन वगैरह नूरुल अरमान ट्रैवल की जानिब से उनके लिए नहीं होता था। वो ज़ायरीन को सर्विसेज देते थे, रहनुमाई करते थे, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन्होंने क्लोज़ कर दिया है नूरुल अरमान ट्रैवल से, अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यह तकरीबन यकम फरवरी से वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ज़रूरत ये महसूस हुई कि भाई को खराज तहसीन भी पेश करें कि उन्होंने इतना टाइम नूरुल अरमान ट्रैवल की जानिब से ज़ायरीन को खिदमात दी उन्होंने, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको इसका इस अमल का अजर दे। बाकी नूरुल अरमान ट्रैवल का अब काशिफ भाई से अब से मुराद यानी कि यकम फरवरी से कोई लेना देना नहीं है, और पहले भी कोई हिसाब किताब का कोई लेना देना नहीं था। उनकी अपनी ज़ाती अगर कोई से किसी से लेन देन हो तो मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा, और आने वाले वक्त में भी कोई लेन देन हो तो, लेकिन बाकी बताने का मकसद सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश करना है। उनके मामला तो उन्होंने नूरुल अरमान ट्रैवल में इतना वक्त गुजारा, बहुत शुक्रिया। नूरुल अरमान ट्रैवल की टीम का हिस्सा अब वसीम भाई हैं, वो काशिफ भाई की जगह पर सर्विसेज दे रहे हैं, खिदमात कर रहे हैं ज़ायरीन की। उनसे भी लेन देन किसी भी किस्म का किसी कोई जिम्मेदार, मतलब अगर कोई करेगा तो वो अपनी बुनियाद पर करेगा, नूरुल अरमान ट्रैवल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। सही है।